ये किसी ऐसी जगह पे आ गई, ये किसी ऐसे मजहब में आ गई कि जहाँ इसका कोई अपना नहीं है, बल्कि इसकी इतनी अच्छी फीलिंग हो कि इसको देख के बेतहाशा लोग मुसलमान हूँ, इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हूँ, इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हूँ, तो उसका दिफा करना हमारा हक होता है, अवलीन तरजीह होती है। तो लिहाजा हुकूमत को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास बेताशा पैसा है, इस बच्ची को कभी ये फील ना हो कि ये किसी ऐसी जगह पे आ गई, ये किसी ऐसे मजहब में आ गई कि जहाँ इसका कोई अपना नहीं है, बल्कि इसकी इतनी अच्छी फीलिंग हो कि इसको देख के बेतहाशा लोग मुसलमान हूँ, इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हूँ। तो मैं गुजारिश करूंगा बाकी तमाम अदर सोसाइटीज से भी और इदारों से भी कि वो भी इनको बैकअप करें जितना हो सकता है। हम इंशाल्लाह, अभी मैंने इनको ऑफर भी किया कि PSG की तरफ से अगर इनका यहाँ पे जो लीगल मामलात हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो हम इनको एज एम्बेसडर लेंगे इंशाल्लाह। इनको रेगुलर सैलरी ऑफर करेंगे, मंथली सैलरी यहाँ घर बैठे इनको हम इंशाल्लाह देंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ के हमें अंदाजा भी हो कि बड़ा खूबसूरत इलाका है, तो आपके इस इलाके के अंदर इतनी अट्रैक्शन है कि आप जो है ना दूसरे बॉर्डर पार से भी लोगों को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले आते हैं। बहरहाल आपके लिए भी जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इलाके को इसी तरीके से अमन का गहवारा बनाए और हमेशा से हमें इस्लाम और पाकिस्तान के लिए एक मुअस्सर किरदार अदा करने की तौफीक भी दे। सर जी पहली बात तो ये है कि हम इनको अपनी तरफ से, हमारा जो ग्रुप है PSG, हमारी 12 कंपनीज है अल्हम्दुलिल्लाह, डिफरेंट प्रोजेक्ट हमारे, हम तो भरपूर बैकअप करेंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम उनको रेगुलर सैलरी तक देने के लिए तैयार हैं, उनके यहाँ के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएं अंजू के, अच्छे याद आते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे इंशाल्लाह तो हम अपने साथ बहुत सारी सोसाइटीज मालकान को और बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे। ये मैं आपसे आज मीडिया के सामने ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह इनको कम अज कम माली तौर पर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी मेरे साथ नसरुल्ला भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी हालिया अंजू से शादी की है फातिमा, और ये हिंदुस्तान से जो है ना इनकी आपस में फ्रेंडशिप थी और वो एक तब्दीली इस तरह हुई कि इनकी फ्रेंडशिप एक दावत का रुख इख्तियार कर गई जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं समझता हूँ कि ये इंसान की आखिरत के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव कदम है। यहाँ पे एक मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव चेहरा है, ये बाहर लोग दुनिया में बैठ के कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्द कंट्री है, पाकिस्तान के जो पख्तून हैं वो दहशतगर्द हैं। आज तो हम एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पख्तून हूँ, पंजाबी हूँ, बलोच हूँ या सिंधी हूँ, वो सारे के सारे पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं।